عبادت کی قبولیت کے لیے، حاضرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر اللہ سے سلام۔ جسے ہم مجلس عزا کہتے ہیں،
क्या इसका नाम सिर्फ मजलसे अज़ा है? उलमा इसकी फरमा है, मेरे अजीज मौलाना सज्जाद साहब की और दीगर भी मजलिस कहते हैं उस मकान को जहां बैठा जाए। अरबी का लफ्ज है बैठने वाली, मस्जिद सजदा देने वाली जगह, मजलिस बैठने वाली जगह, अजाब जहां ताजियत हो, गम हो। इसका तर्जमा यह बना कि वो मकान जो अजाब के लिए है, गम के लिए है। और यकीनन आने वाले जिसी हवाले से आते हैं, पढ़ने वाले जिसी हवाले से पढ़ते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्योंकि मजलिस अज़ा है तो इसमें फिर खैबर खंदक क्यों पढ़ी जाती है? फिर खुशी से उछल उछल के नारे क्यों लगाए जाते हैं? अगर सिर्फ मजलिस अज़ा है, ये सिर्फ मजलिस के आवाज नहीं, ये दस्तगाह जरूरिया है। ये इंकलाब का मकाम है। मजलिस के आवाज हो तो हम रोकर यकीन होना सवाब है, रोकर चले जाए, इबादत मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, हमने इलाकाई नाम रखा हुआ है। आपका तलाब में चले जाए, नजर में चले जाए, गुफा में चले जाए, दीगर मकाम पर तो मैं कहूंगा इसका नाम जहन में लेकर जाए, ताकि आपके अंदर भी, पढ़ने वालों के अंदर भी, सुनने वालों के अंदर भी तब्दीली आए कि सिर्फ वजह से अदा नहीं, बल्कि इसका नाम दस्तगाह जहन किया भी। ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, एहसान है तो उनकी बेटी का कि ये वो कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिसमें छह माह के बच्चे से लेकर सौ साल तक एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब अगर हम इस दस्तगाह में दर्श आपके जहन के मुताबिक पढ़े या अपनी मर्जी के मुताबिक, तो ये दस्तगाह नहीं रहेगी। इस वजह से हालांकि तकाले बताकर मकसूद गुफ्तगू अर्ज करूंगा। मदरसे हालांकि तीन तकाले हैं, क्या फजाए अहल बैत, नाम बेशक मदरसे हजार ही रहने थे, इलाकाई नाम होते हैं। मदरसे हजार के तीन तकाले हैं, यही तीन तकाले कुरान के अंदर में कभी अर्ज करूंगा। फजाए के अहल बैत, मसाए के अहल बैत और मकसदे अहल बैत, इन तीन तकाजों में से एक भी रह जाए तो ये दस्तगाह जहन किया वजह से अज़ाब ना मुकम्मल। ये पंखा चल रहा है, हवा न दे, आप इसे रहने देंगे? ये स्पीकर है, आवाज आए तक न पहुंचाए, आप तक आवाज न पहुंचाए, जितना कीमती क्यों ना हो, इसे आप पूरे फिल्टर में फेंक देंगे। और अगर इसी संदेश से हमें मकसद का बवाल न मिले, तो हम 80,000 रुपया घंटा दें। जुल्म की इंतहा है। मौला के सदके में जितना मर्जी दूं, पैसे दे दिए उस पर कोई इंतहा नहीं। लेकिन मुजाहिद मिल्लत चौधरी निशान अली अपने साथियों के साथ मैदान में आ चुका है। याद रखिए, सिर्फ चौधरी निशान अली पूरी मिल्लत अपने साथ है। अब तो एक और मसला भी पैदा हो गया कि हुकूमत ने ऐलान किया है, बानियान से कहना चाहता हूं, हलाल हराम का ख्याल किए बगैर मिल्लत से अदा कराने वालों, याद रखो हुकूमत ने ऐलान किया है कि केसर करके हमें दिया करो, वरना मजलिस तुम्हारी बंद कर देंगे।
उनके निशान की गुर्बत नहीं रहेगी। हम मुखालिफ है इस बात के इस अंदाज में गिरफ्तारियां हो इस अंदाज में सिलसिले हो, लेकिन रवैये को बदल दी है। एक जाकिर एक नहीं बल्कि नाम तमाम सारे ही है तो हमारे अलीपुर के इलाके का जदोई के इलाके का। मुझे बताएं अगर इसी सदे ये कहा जाए नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत अब्बास का घोड़ा तरके औला नहीं करता हजरत आदम तरके औला करते हैं। जाया नहीं जाए एक अमल हुआ
लोग रहते हैं यहां पर हर वक्त अपनी तकलीफ का जिम्मेदार है। फेसबुक पे आ गया है, हम अधिक वादा नहीं कहते, तकरीरों में तो कहते हो, किताबों में तो कहते हो, खिताबात में तो कहते हो, अब क्या हो गया? सिर्फ एक शख्स की मेहनत, उनके साथियों की मेहनत आपके सटेज की तार हो रही है। हमने बहुत सारी सवाल की, मुझे भी 55 साल हो गए हैं लाहौर में, रसूल रहने दिया जाए, इस मिंबर को मिंबर हुसैन रहने दिया जाए, इसको तुमने सदैव बना दिया है अदाकारो। ताजी ताजी बुढ़ी हुई, गले में सोने का लाकट पहना हुआ, मसायब पड़ा, इधर से उधर जनाबे काबे की लाश को लटकाया, उधर टुकड़े फेंके, फिर कागज करके फिर मसायब लगा, मसायब लगने के बाद वो हाथी ही मेरे झूमता हुआ, सात नारे बाद 40 सात गामी मैं खुद देकर 40 नारे बाद सात आपने कमाल कर दी, मुझे कामयाब हो गई, मुझे ये बालू बालू की भी बात है, गामी गामी की बात है, न्याय देख की बात है, क्या बड़े बड़े बच्चे हैं हलालो हराम के बगैर नजर से आजाद। याद रखिए, इबादत के लिए तहारत जरूरी है, कपड़ा नजर जो दिमाग नहीं, कपड़ा सस्ती हो दिमाग नहीं, तहारत के बगैर दिमाग नहीं, इतनी अजीम इबादत पता ही नहीं पैसा कहां से आ रहा है, कैसे वो क्या नाम पाना आजकल वो लेस्ट वायर में पनामा मीस के पैसे कहां से आ रहे हैं। याद रखिए, आप जा रहे हैं, किसी की जेब से 100 रुपए निकाल लिया किसी ने, फिर जाते ही बोला पास के अलग के नीचे 50 रुपए की मोमबत्तियां और 50 की रेवड़ियां बच्चों में तकसीम करके मौला मौला कबूल कर। बहुत बड़ी इबादत है मम बका अगर
حسین سچے رسول نے محبت حسین نے کہا جو میں حسین کے غم میں روئے اور اب کا یا رلائے توجہ فرما رہے ہیں نہایت اپنا مسافر اپنے اسی کی تخلیق کر کے پارے سچا رسول کہہ رہا ہے جو میرے حسین کے غم میں روئے رلائے روئے کون یہی اداکار مومنین مومنات رلائے رلانے والوں میں کون ہے اور اب کا ذاکر وائد خدیب دعا خان اتنی بڑی ہے یہ اداکاری کی عظمت دیکھنے لے کے جانا اس بات کو جو روئے رلائے رسول نے کہا اس پر جنت واجب ہے اور بی بی نے ارشاد فرمایا تھا میرے بیٹے کے غم میں اس طرح رو اس طرح بوڑھی ماں جوان میت پر روتی ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پڑھنا چاہتا ہوں ان کی اجازت دے یہ دو حصے ہیں حدیث کے حدیث میں یاد رکھو ہر حدیث میں ایک حقیقت ہوتی ہے ایک فضیلت ہوتی ہے فضیلت ہم بیان کرتے ہیں فیس لینے کے لیے حقیقت نہیں بیان کرتے کہ کوئی پھر دوبارہ بلایا نہیں جاتا میں جی چاہتا ہے اس حدیث کی دو منٹ میں حقیقت بیان کر کے آپ سے دعا لوں فضیلت تو ہے نا فضیلت تو ہے نا رسول پاک نے کیا صرف جیتا ہے ہم بکا اگر حسین کو اب کا نہیں تین طبقے بتائے ہیں ایک ہم بکا جو روئے اس پر جنت واجب اور اب کا جو رلائے تو آسان معافی ادادار ذاکر بائے صدیق اور اب کا جو رلائے اس پر جنت واجب اور تیسرا ارشاد فرمایا اور تبا کا اسے رونا نہ آئے رونے کی شکل بنائے یہ آگے آپ کو بتائیں گے تباکہ کا خاص ترجمہ جو شکل بنائے رونے کی مظلوم کے غم میں رسول نے کہا اس پر بھی جنت میری بات آپ تک پہنچ گئی بتانا صرف یہ چاہتا ہوں رسول سچا ہے آپ کلمہ پڑھتے ہیں تینوں جنتی کون کون جو روئے حسین کے غم میں جو رلایا حسین کے غم میں اور تیسرا کون جو رونے والی شکل بنائی یہ کیوں رسول نے کہا ہر آدمی کی طبیعت ہوتی ہے ایک آدمی ہوتا ہے معمولی سی بات پہ دل نرم ہو جاتا ہے کیونکہ رسول چاہتے ہیں میرے بیٹے کا غم زیادہ سے زیادہ ہو یہ فکرا وہ ہے جو آپ کی زبان پر بھی آتا رہا ہوگا میری زبان پر بھی آتا رہا ہے گام شاہ بابو صاحب کو یاد رہے کہ اب بھی آتا ہے وہ جو پیسے لے کر رونے والے ہیں نا وہ بھی ساتھ چل کے کہتے ہیں اور آپ نے جو کمال کر دی آپ کی مجلس کامیاب اور دیکھ کر فلانا آئے مولوی وام پٹیلا کے مجلس بے ہو گئی یاد رکھو میں اس کی حمایت میں نہیں بول رہا میں رسول کے قیام کی صداقت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جب وہ کہتا ہے مجلس فیل ہو گئی وہاں مٹینا گیا اس رسول کی حدیث کو جھوٹا گیا یہی بات آپ تک پہنچا کر بات ختم جب بھی کوئی کرے
की बनाई हुई जन्नत वाजिब मजलिस कबूल, और तू कहता है रोना कम हुआ है, थोड़ा हुआ है, वहां मटेगा क्या मजलिस जेल। मैं रबानी के मुतल्लिक कहता हूं, नज़ाकिर के मुतल्लिक कहता हूं, ये कहने वाले को कहता हूं, तू कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होने की कोशिश कर, रसूल को जो झूठा कहे उसे क्या कहा जाता है? बल्कि होते तो कम नहीं है, नाम उनकी लेना होता है। आपने तो आसमान के लगाती मौलवी मजलिस देर हो गई, ये मजलिस देर मौलवी को नहीं कह रहा, रसूल को झूठा कह रहा है। जिस रसूल ने कहा अगर तुमने रोने की शक्ल नहीं बनाई जन्नत की बात मजलिस का क्या? अगर मेरी बात की समझ आ गई है, याद रखने इस दिन के लिए बड़ी कुर्बानी थी। आज आपने देखा होगा कराची में खबर खुमा शहीद मुजाहिद जो शहीद कर दिया गया, उम्मीद है कायदे लोग कोशिश कर रहे हैं उनके वादे से हो जनाजे के लिए पहुंचने के लिए। मैं कहता हूं जब तक आप अली का नाम लेते रहेंगे, जब तक हुसैन का नाम लेते रहेंगे, ये कुर्बानियां देनी पड़ेगी। लेकिन आपको नतीजा बता रहा हूं, दुनिया में आज भी आपको कामयाब कहा जा रहा है, आपके दुश्मनों को गद्दार और दहशतगर्द कहा जा रहा है। करबला वाले कामयाब होते हैं, नाकाम नहीं होते। जिनाजे उठा कर भी कामयाब होते हैं। और हमारे तक किसी तो शांति के लिए बुलंदर सलावा, फिर मिलकर एक मरतबा बुलंदाबाद से सलावा। इस दिन पर बहुत कुछ खर्च हुआ, ये लक्ष्य मैं जरूर कहूंगा, ना आपके रोने के लिए ना हमारी फीसों के लिए। बतूल की बेटी ने अपनी चादर कुर्बान की तौहीद की हिफाजत के लिए, दीन की पता के लिए। मैं तो यही कहता हूं साहब, इससे बड़ा और कोई नहीं। जब कहा जाता है जैनब और यजीद का दरबार, ये जैनब तमाम कहता है मसायब मुकम्मल हो जाता है। जालिम कहता है कि सामने बीबी कौन है, जब उसने इशारा किया क्या मतलब आई ताई पूरी अमल मिजा है और सामने से हटे हो रऊ जिला मंदाले। मैंने जैनब से कलाम कर तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे कबीले की फिजा उसकी इज्जत पे हाल पा रहा है। ज्ञानों से तलवार निकली, ज़ैनब ने देखा मुंह निकला मदीने की तरह, कहा माशाल्लाह नाना मोहम्मद फिजा के हिमायती तो आ गए, कहीं बेटी का हिमायती कोई। Allah'a emanet olun.